So good morning my dear student and all my YouTube viewers and welcome in my YouTube channel. So मिलते हैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ. जैसा कि अभी आप सभी एग्जाम डेज में बिजी चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर चल रहा है एग्जाम को लेकर. और इससे पहले मैंने अपने इसी चैनल पे एक एग्जाम सीरीज स्टार्ट करी थी जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने सराहा है. काफ़ी बच्चों का फीडबैक आने के बाद आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ संडे मोटिवेशन. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, 10th 12th बोर्ड और बाकी क्लासेस के भी एग्जाम कुछ चल रहे हैं, कुछ फिनिश हो चुके हैं. सो आप सभी स्टूडेंट्स से स्पेशली मैं आज बात करने जा रहा हूँ. और वैसे आप कोई पर्टिकुलर पर्सन भी इसको अपनी लाइफ से ले सकता है कि जब भी हमारे जीवन में एग्जाम हमारे जीवन में जिंदगी भर चलते रहते हैं. ये तो स्कूल एग्जाम है, हम सभी लोगों के लाइफ में जिंदगी में अलग अलग तरह के एग्जाम चलते रहते हैं. ये एग्जाम्स तो ऐसे हैं कि इनके पास इसका आपके पास सिलेबस रहता है, इसको टीच करने के लिए हमारे पास टीचर्स रहते हैं, इसको गाइड करने के लिए हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं. बट लाइफ के ऐसे ऐसे एग्जाम्स हमारे सामने आते हैं जिनका ना कोई सिलेबस होता है, ना कोई डेट शीट होती है, ना कोई फिक्स टाइम होता है. वो कभी भी आ जाते हैं और उन्हें हमें टैकल करना होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो उनका एक परफेक्शन रहता है कि सर जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम अपीयर करने जाते हैं, सो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है. वो डरते हैं कहीं ना कहीं से, उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट भरी रहती है कि क्या ये पेपर हमारा अच्छा जाएगा, क्या एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्या हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, कैसा होगा पेपर, कहीं डिफ़िकल्ट तो नहीं आएगा, मैं पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. सो मैं आप सभी स्टूडेंट से, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सबकी लाइफ एक यूनिक है और हम सबके लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग एक अलग अलग अचीवमेंट्स हैं. और जो चाहे एक छोटा बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक, जो भी अपने लाइफ में भी जिस पोजीशन पे भी है, जिस क्लास में भी पढ़ता है या जिस स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, आप सभी से एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपने इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी प्रिपरेशन पर आपने पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तभी आप इन क्लासेस में या अपने ज़िंदगी के इस पड़ाव पे आए हैं. तो मेरा मानना है जब कभी भी आप किसी अनदर एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आप अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स को ज़रूर याद करें, क्योंकि आपने लाइफ में कोई ऐसा पहली बार ही एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे होते, चाहे कोई स्टूडेंट है. और लाइफ की बात करूँ तो हमारी लाइफ में कोई पहली बार ही कोई चैलेंज नहीं आ रहा होता है. चैलेंजेस आर काउंटलेस और वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उनका कभी स्टॉप नहीं है. इसी प्रकार से अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो बच्चा जब आज की डेट में आप देखिए 2-3 साल का बच्चा होता है, वो प्ले स्कूल से स्टार्ट करता है, फर्स्ट क्लास में जाता है 5 ईयर्स में, तो उसका एग्ज़ाम आज की डेट में आपने देखा होगा इतनी छोटी छोटी क्लासेस के बच्चों के कितने बड़े बड़े एग्ज़ाम उनको फाइट करने होते हैं. तो हमें जब भी हम किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं उससे पहला प्रिपरेशन यही रखना चाहिए कि जो भी आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ वो मेरे लिए कोई एक बहुत बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले आप बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम पास करके जा चुके हो. आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है. यू शुड बी जस्ट बिलीव ऑन योर प्रिपरेशन. आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपना डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन में आज आप खड़े होते हैं, जिस क्लास में आज आप हैं, वो उधर तक भी आप किसी न किसी अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी एबिलिटी के द्वारा पहुँचे हैं. लाइफ में हमें कभी होपलेस ना होकर हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमें हमेशा आशा के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए. इसी प्रकार की मोटिवेशन के नोटिफिकेशन अगर आप बार बार चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें. थैंक यू गाइस.